अब मैथ के साथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का कोई भी अगर प्रॉब्लम, तो उसका आपको इंस्टेंट वीडियो सॉल्यूशन वो मिल जाएगा। बस आपको व्हाट्सएप पे 8400400 पे आपको उस प्रॉब्लम का फोटो खींचनी है और अच्छी तरीके से क्रॉप करना और उसे इस नंबर पे सेंड कर देना, उसका आपको तुरंत वीडियो सॉल्यूशन वो मिल जाएगा। यहाँ पे आपको क्लास 6 से लेकर 12th और IIT JEE लेवल तक की आपको सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन वो मिल जाएंगे। बस आपको व्हाट्सएप करना होगा या फिर इनकी ऐप पे जाना होगा, डाउटनेट ऐप पे। हेलो गाइस, इंजीनियरिंग फैमिली के अंदर आप सभी स्टूडेंट्स का फिर से स्वागत है। मैं राहुल और यहाँ पे आज किसी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फीस रिफंड के बारे में। तो मतलब जिन स्टूडेंट्स ने अपनी फीस पे कर दी है, एक्सेप्टेशन फीस और यहाँ पे अपनी एडमिशन फीस, तो अगर उन्होंने अपनी कॉलेज को अलॉट नहीं किया है, कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं लिया है, तो उनकी वो फीस किस तरीके से रिफंड होने वाली है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को अपनी इस मतलब प्रॉब्लम से फेस करना पड़ रहा है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स आया काफ़ी तरीके की आ रही है। जैसे मान के चलिए काफ़ी स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि सर हमने विड्रॉ किया था तो हमारी फ़ीस कैसे रिफंड होगी। काफ़ी स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर हमने सरेंडर ऑप्शन सिलेक्ट किया था और पार्टिसिपेंट किया था हमने नेक्स्ट राउंड के अंदर, लेकिन हमें वहाँ पे भी सीट नहीं मिली, तो हमें किस तरीके से फ़ीस रिफंड होगी। तो मतलब अलग अलग तरीके से सभी स्टूडेंट्स के जितने भी डाउट्स हैं मतलब फ़ीस रिफंड से रिलेटेड, तो वो सभी स्टूडेंट्स के डाउट्स यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। तो बस चलो शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। और यहाँ पे आप सभी के साथ मैं एक बात और डिस्कस करना चाहूँगा, अगर किसी स्टूडेंट्स को राउंड सेकंड के अंदर सीट अलॉटमेंट हो चुकी है तो अभी भी उसके पास टाइम है कि वो अपने कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग है वो कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे डेट है उसको एक्सटेंड है वो कर दिया गया है। तो चलो शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो जो भी स्टूडेंट्स नया है हमारे चैनल पर, प्लीज़ जो सब्सक्राइब का बटन है नीचे रेड कलर का उसे प्रेस कर दीजिए और साथ में बेल आइकन की ज़रूर प्रेस करना है। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कर देना है। तो चलो शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो सबसे पहली बात और सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही आता है कि अगर किसी स्टूडेंट्स ने इफ़ कैंडिडेट अगर वो ऑप्शन सिलेक्ट करता है कौन सा विड्रो वाला सीट अलॉटेड NIT IIIT जोसा राउंड ड्यूरिंग इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग अगर उसने किया है 19 से लेकर 23 तारीख तक, लेकिन डज नॉट पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड, अगर उसने पार्टिसिपेट नहीं किया है स्पेशल राउंड काउंसलिंग के अंदर, तो उसकी जो सीट एक्सेप्टेशन फीस होगी वो रिफंड हो जाएगी आफ्टर डिडक्टिंग 1500 रुपये। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो आपकी फ़ीस रिफंड होने वाली है वो एग्जैक्टली अभी नहीं होने वाली है, उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, मतलब 1 मंथ 2 मंथ इतना मतलब लग सकता है। ओबियसली लास्ट जब ईयर की बात थी तो वहाँ पर कम से कम 3 मंथ लग गए थे अपनी फ़ीस उनकी रिफंड होने में, ठीक है। तो इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जो फीस होगी वो आपके डायरेक्ट अकाउंट में रिफंड वो हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाता है विड्रो वाला ऑप्शन। तो विड्रो वाले ऑप्शन में भी एक चीज़ और होती है कि जिन स्टूडेंट्स ने कॉलेज के अंदर अलॉट किया है और वहाँ पे जाके अपनी सीट एक्सेप्टेशन फीस पे की है लेकिन बाद में उन्होंने विड्रो कर लिया है, तो क्या होगा कि वहाँ पे जाके उनको अपना जाना होगा उस कॉलेज के अंदर और वहाँ पे जाके उनको अपनी फ़ीस रिफंड के लिए प्रोसेस है वो कंप्लीट करना होगा, फिर उसके बाद उनकी फ़ीस है वो रिफंड है वो हो जाएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स ने जिन्होंने स्पेशल राउंड के अंदर अपनी फ़ीस है वो पे की है। अगर किसी स्टूडेंट को कोई सीट अलॉटमेंट हुई है, नो सीट अलॉटमेंट टू द कैंडिडेट इन द स्पेशल राउंड, लेकिन उसने अपनी पार्टिसिपेंट फीस तो पे करनी ही पड़ेगी, ठीक है, तो वो रिफंडेबल हो जाएगी आफ्टर डिडक्टिंग 1500 रुपये डिडक्ट हो गए उसमें से, बाकी फ़ीस है वो उसकी क्या हो जाएगी, रिफंड हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे है कि अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई सीट अलॉटमेंट नहीं हुई है कैंडिडेट को स्पेशल राउंड 1 के अंदर और कैंडिडेट ने क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया फॉर्म स्पेशल राउंड जो काउंसलिंग होती है सेकंड राउंड जो होने वाला है उससे उसने विड्रॉ कर लिया, कहता है भाई मेरे को नहीं करनी स्पेशल राउंड 2 के अंदर मेरे को नहीं जाना है, तो इसने क्या किया, पार्टिसिपेंट फीस विल भी रिफंड हो जाएगी आफ्टर 1500 रुपये डिडक्टिंग, ठीक है। तो ये थे यहाँ तक। अब इसके बाद आता है डिडक्शन थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन कंडीशंस क्या है वो ये है कि अगर आपने सीट मिलने के बाद आपने सीट छोड़ी है तो आपकी फ़ीस है वो थोड़ी सी ज़्यादा डिडक्ट होगी और उसके बाद वो आपको रिफंड होगी। तो यहाँ पे देखिए जो फोर्थ पॉइंट है इसमें लिखा हुआ है, इफ़ ए कैंडिडेट अगर उसको गेट हो जाती है सीट अलॉटेड इन स्पेशल राउंड 1 के अंदर, लेकिन वो क्या करता है रिपोर्ट नहीं करता है तो, और वो पार्टिसिपेंट फीस एंड सीट एक्सेप्टेशन फीस भी पेड कर देता है, तो उसमें से उसको रिफंड कितनी होने वाली है, रिफंड जो होगी उसमें से डिडक्ट हो जाएंगे 5000 रुपये उसके वहाँ से डिडक्ट हो जाएंगे और बाकी फ़ीस है वो उसकी वहाँ पे उसको वापस मिल जाएगी। मतलब उसने जो पार्टिसिपेंट फ़ीस और जो सीट एक्सेप्टेशन फ़ीस पे की है जितनी भी फीस पे की है उसमें से 5000 रुपये डिडक्ट हो जाएंगे और बाकी फ़ीस है वो आपको रिफंड है वो हो जाएगी।
अब यहाँ पे ये ऑप्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था कि सर अगर हमने सरेंडर ऑप्शन सिलेक्ट किया और पार्टिसिपेंट किया नेक्स्ट राउंड के अंदर, लेकिन हमें डज नॉट गेट सीट इन राउंड सेकेंड, तो उनको भी फीस सेम ही प्रोसेस है, 5,000 रुपये डिडक्ट हो जाएंगे सीट एक्सेप्टेशन फीस में से और पार्टिसिपेंट फीस में से 5,000 रुपये डिडक्ट होके बाकी उनको वहाँ पे रिफंड हो जाएगी। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे सरेंडर ऑप्शन सिलेक्ट किया और नॉट पार्टिसिपेंट किया उसने नेक्स्ट राउंड के अंदर, तो भी उसकी फीस है जो एक्सेप्टेशन फीस होगी उसमें से 5,000 रुपये डिडक्ट हो जाएंगे और बाकी फीस है उसको वो रिफंड है वो हो जाएगी। तो मतलब इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपने राउंड सेकंड के लिए गए या फिर नहीं गए हो। अगर आपको राउंड सेकंड के अंदर सीट मिलती है तो अलग बात होती है, अगर आपने राउंड सेकंड के अंदर सीट नहीं मिलती है तो आपके 5,000 रुपये डिडक्ट हो जाएंगे और बाकी फीस है वो आपको रिफंड हो जाएगी, ठीक है। और रिफंड का प्रोसेस मैंने बता दिया, इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है, मतलब टाइम लगने के बाद ही आपके अकाउंट में डायरेक्टली फीस आपकी वो रिफंड वो हो जाएगी। अब ये सेवंथ पॉइंट समझने की कोशिश कीजिए थोड़ा सा ध्यान से, क्या है इस सेवंथ पॉइंट के अंदर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ कैंडिडेट हैव बीन अलॉटेड ए सीट इन स्पेशल राउंड वन के अंदर सीट गेट बी कैंसिल हो गई उसकी, किस वजह से, इन एलिजिबिलिटी काफ़ी तरीके से होती है। अगर मान के चलिए उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे, वो एलिजिबल नहीं था, तो उन चीज़ों के लिए अगर वो इनिजिबल होता है, ठीक है, तो उसकी वेरिफिकेशन, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो पार्टिसिपेंट फीस और एक्सेप्टेशन फीस में से 5,000 रुपये डिडक्ट होके बाकी उसको रिफंड हो जाएगी, सिंपल सा ही है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ऑफ ऑल आता है यहाँ पे कि अगर कोई स्टूडेंट्स को सीट अलॉटेड होती है, ठीक है, पे ऑफ द स्पेशल राउंड सेकंड के अंदर, ठीक है, अब वहाँ पे क्या कहता है कि सेम रिटेनिंग ऑफ द पार्टिसिपेशन इन द स्पेशल राउंड टू और सीट इज अलॉटेड इज द एफ रेस एट द स्पेशल राउंड टू, पार्टिसिपेंट फीस एंड सीट एक्सेप्टेशन फीस। ओबियसली सीधी सी बात मैं आपको बता देता हूँ कि अगर किसी स्टूडेंट्स को राउंड वन के अंदर सीट नहीं मिलती है और उसे राउंड टू के अंदर अगर उसे सीट मिल जाती है तो वो फ्रेश ही माना जाएगा, मतलब उसको पहली बार सीट मिली है, तो उस कंडीशन में अगर वो वहाँ पे जाके रिपोर्टिंग वगैरह नहीं करता, उस सीट को वो अगर छोड़ देता है, तो वहाँ पे उसकी फ़ीस है वो नॉट बी रिफंडेबल होने वाली है, उसको किसी तरीके की फ़ीस है वापस रिफंड वो नहीं होने वाली है। तो ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात तो ये आती है कि अगर इफ कैंडिडेट हैज़ बीन अलॉटेड सीट राउंड सेकंड, सीट उसकी क्या हो गई, कैंसिल होगी इनएलिजिबिलिटी की वजह से, तो भी उसको रिफंड वो नहीं होने वाला है। सीधी सी बात है, अगर वो खुद छोड़ता है सीट तो भी उसको रिफंड नहीं होने वाली है। अगर वो इनएलिजिबल है सीट के लिए, मतलब जो उसको सीट अलॉटमेंट हुई है फिर भी वो इनएलिजिबल है, तो भी उसको फीस वो रिफंड वो होने वाली नहीं है। मतलब सीधी सी बात है, बाकी सब कंडीशन में आपको फीस वो रिफंड होने वाली है, बस इसी कंडीशन में, ये दो कंडीशन जैसे मैंने बताई है, अगर आपने सेकंड राउंड के अंदर अगर आप छोड़ते हो या फिर आपकी सीट कैंसिल होती है तो आपको किसी तरीके की फीस वो रिफंड वो नहीं होने वाली है। बाकी अगर राउंड वन के अंदर आपने विड्रॉ किया है, सरेंडर ऑप्शन सिलेक्ट किया है, ठीक, आपको सीट अलॉटमेंट हुई है या फिर नहीं हुई है, तो भी आपके 5,000 रुपये डिडक्ट होंगे और बाकी फीस आपको क्या हो जाएगी, रिफंड हो जाएगी। तो ये प्रोसेस था, और आई होप आप सभी को ये सारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है। तो